आज हम बनाएंगे गुजरात के फेमस मेथी के घोटे, यानी मेथी की भजिए। बनाने के लिए पहले हम ये मेथी को, मैंने एक जोड़ी मेथी को कट कर लिया है, साथ में ये कोरिएंडर को भी चॉप कर लिया है एक जोड़ी जितना। ये हरी मिर्च को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये सौंफ ली है मैंने एक चम्मच जितनी। ये तिल एक चम्मच जितना। ये खड़ा धनिया है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसको भी मैंने लिया है। अब हम पहले पानी को गरम करने के लिए रखेंगे। जैसे ही गुनगुना हो जाता है हम इसके अंदर तेल डालेंगे। ये हमारा पानी गरम हो गया है गुनगुना। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, एक चम्मच के करीब ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। पहले ये जो मैंने धनिया है इसको ऐसे हाथों से मसल लेंगे जिससे इसका अच्छे से स्वाद आ जाए। ये तिल मैंने एक चम्मच के करीब लिया है, उसको डालेंगे। ये सौंफ है उसको ये हरी मिर्च ये नमक थोड़ी सी हींग हल्दी भी 1/4 जितना ही डालनी है स्पून जितना, इससे मेथी का कलर अच्छा आएगा। रेड चिली पाउडर अब हम 1/4 स्पून ये काली मिर्च डालेंगे। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। पहले ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर जो मेथी को पानी में भिगो के रखा है इसको अब हम अच्छे से ऐसे हाथ से मसल लेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे। ऐसे ही सारी मेथी हम डाल देंगे। ऐसे हाथ से मसल मसल के डालना है। कोरिएंडर को भी ऐसे ही डालेंगे, इससे इस मेथी के घोंटे का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। मेथी को डाल लिया। अब ऐसे ही हम इस कोरिएंडर को भी अच्छे से मसल के फिर इसके अंदर डालेंगे। पानी आपका गुनगुना होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि अंदर भी आटा और डाल के मिक्स करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएंगे। अब हम इसको अच्छे से जला लेंगे। अब हम इसके अंदर चने का आटा डालेंगे। ये मैंने 3 चम्मच के करीब डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं इसके अंदर अभी भी ज़रूरत है तो हम थोड़ा और चने का आटा डालेंगे। सारा एक साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। ये हमारा गोल रेडी है। इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर बाद में इसके मेथी के घोटे बना लेंगे। इसको मैंने 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हम इसके भजी उतार लेंगे।
ये हमारा ऑयल मैंने मीडियम आंच पे गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐसे डालते जाएं। इसके अंदर सोडा डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर आप डालनी है तो एक पिंच जितनी ही डालें, ये ऐसे ही अच्छे से फूलेंगे। ये हमारे तल गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारे मेथी के गोटे यानी भजिए। ठंडी के मौसम के लिए बेहतरीन मेथी के भजिए एक बार जरूर ट्राई करना।